सब चले लू खेतवा की हरिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। समा है सुहाना सुहाना, कितना मजा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बासी चावल से बनाने वाले हैं एक अच्छा सा रेसिपी। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हर कोई के घर में ज़्यादा चावल बन जाता है, वो बच जाता है, तो बहुत से लोग सोचते हैं क्या करें। तो आज हम उसका एक बहुत बढ़िया रेसिपी बना के दिखाएंगे आपको। तो हम खेत में आए हैं सुबह सुबह, और खेत से लूँगी कुछ टमाटर, मिर्चा, हरा जो सामान मिल जाए मेरे को वो ले लूँगी। वाह, जबरदस्त टमाटर, रसीले पके हुए टमाटर। तो टमाटर हम ले लिए हैं दोस्तों खेत से, हम मिर्ची ले लेते हैं। साथ में मैं आपको सलाद बना के दिखाऊंगी, तो खीरा भी ले लेती हूँ खेत से। ये हम खीरा का पौधा लगाए हैं। अभी ये छोटा खीरा है, ये देखिए बेबी खीरा। तो देखिए दोस्तों, इसमें मिर्ची का जो पौधा है बहुत सारा, अभी बेबी मिर्चा तैयार हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग तोड़ के ले जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत तीखा वाला मिर्चा है, बहुत चटपटा स्वाद देता है। तो काम भर का मैं तोड़ लेती हूँ मिर्चा। ये देखिए इतना सारा काफी है। इस वाला खेत में धनिया है, तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं। धनिया भी ले लिए दोस्तों, अब चलते हैं घर पे। तो सलाद का तो हम कंप्लीट नहीं किए थे, ककड़ी ले लेते हैं खेत से और बीट रूट भी लूंगी। बीट रूट निकाल लेते हैं। खेत सिंचाई हुआ है दोस्तों, इसलिए पैरों में मिट्टी लग गया है। तो चूल्हा हम जला लिए हैं, यहीं पे हम एक कढ़ाई रखते हैं। तो देखिए ये बासी भात है, यहाँ पे हम प्याज काट लिए हैं, हरा मिर्चा काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं। अब चलते हैं हम फ्राई करने। सरसों का तेल डाल लेते हैं कढ़ाई में। तड़का में जीरा डाल देंगे और लाल मिर्चा डाल देंगे, और यहीं पर डालेंगे हरा मिर्चा, प्याज। टमाटर डाल लेते हैं। प्याज हमारा भून गया है, यहीं पे हम बासी चावल डाल लेते हैं। आप फ्रेश चावल भी डाल सकते हैं। तो अक्सर
बासी चावल लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनेगा। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है दोस्तों, देखिए बारिश हो रहा है सुबह सुबह ही, बहुत मज़ा आएगा आपको देखिए, देख के हल्की हल्की बारिश हो रही है। स्वाद अनुसार यहीं पे हम नमक डाल देंगे और धीमी आंच पे इसे 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, बासी चावल से हमारा बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार हो गया है चावल फ्राई। अब इसे आप खूब खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब हम निकाल लेते हैं एक बाउल में, ऊपर से हरा धनिया का पत्ता डाल लेते हैं। अब आप इसे सुबह के नाश्ते में या लंच में या डिनर में कभी भी ले सकते हैं। ये मैं चुकंदर काटी थी, ये भी डाल लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है खाने में और ये हेल्दी तो है ही। तो कैसा लग रहा है दोस्तों बताइएगा, ये फ्राई चावल बिना मसाले का मैं बनाई हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए अनीता जी के किचन के साथ जुड़े रहें। और आज का हमारा रेसिपी था कि कभी भी आपका चावल बचे तो उसे वेस्ट ना करें। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, जब तक के लिए एंजॉय करें फ्राई चावल के साथ। तो दोस्तों प्लेट सज चुका है, सलाद भी है, तोरी की सब्जी है, फ्राई चावल है, रोटी है, दही है, तो हम लोग खाते हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए और इन्जॉय कीजिए अनीता जी के दुनिया के साथ। ये सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं। 11 ही बज रहे हैं, अभी ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा है। 11 बज गया है। चीनी, चलो भाई चीनी ले लो, खा लो खाना। पापा कैसा बना है, तोरी की सब्जी कैसी बनी है? मस्त, चावल भी अच्छे बने हैं। ये दही और रोटी आपके लिए, सब बसे वो आपके लिए। मीठा है। चीनी ज्यादा खाती है। चीनी ज्यादा खाती है, दही मीठी पसंद है। काफी लोग नमक डाल के भी खाते हैं। हाँ, पता नहीं कैसे खाते हैं। अभी अगर बारिश रुक जाती है, वैसे मौसम तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मौसम में, अभी तक एक नंबर मौसम हो रखा है दोस्तों। वीडियो मस्त बन रही है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही, आज पंखा पंखा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है।